हेलो दोस्तों, इस वीडियो में अनबॉक्सिंग और इंस्टॉलेशन करने वाले हैं सनरिक्स ब्रांड के सोलर इन्वर्टर का। इसके साथ देखेंगे कैसे आप आपके घर का पूरा लोड जो होता है उसे सोलर पे चला सकते हैं। इस वीडियो के लिए हमारे पास है 1150 वीए का सोलर इन्वर्टर और 150 एच की सोलर बैटरी, जो एक छोटे परिवार के लिए काफ़ी होता है लाइट, फैन, मोबाइल चार्जिंग और छोटे मोटे अप्लाइंसेस को चलाने के लिए। फर्स्ट यहाँ पे बात करते हैं इन्वर्टर के बारे में। जो इन्वर्टर की बॉक्सिंग है ये काफ़ी सिंपल है। एक साइड में आपको सनरिक्स का लोगो देखने को मिल जाएगा और दूसरी साइड में आपको कुछ टेक्निकल डिटेल्स आपको देखने को मिल जाएगी है। अब यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए बॉक्स को करते हैं ओपन। बॉक्स में आपको मिल जाती है एक यूज़र मैनुअल और वारंटी कार्ड। इसके बाद में है आपका मेन प्रोडक्ट यहाँ पे इन्वर्टर। फ्रंट साइड की अगर यहाँ पे बात करें तो फर्स्ट यहाँ पे सनरिक्स कंपनी का आपको लोगो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाती है एक डिजिटल डिस्प्ले। डिजिटल डिस्प्ले के जस्ट ऊपर की साइड में आपको कुछ यहाँ पे इंडिकेटर दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट है मेंस का यानी कि ग्रिड का। इसके बाद में बैटरी चार्जिंग हो रही है तो उसका इंडिकेटर है, बैटरी अप है और बैटरी लो है इसका आपको यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है, और साथ ही यहाँ पे ओवरलोड का प्रोटेक्शन और इंडिकेटर आपको यहाँ पे मिल जाता है। इसके बाद में यहाँ पे पावर ऑन और ऑफ का स्विच। बात करें यहाँ पे बैक साइड की तो फर्स्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है इनपुट के लिए वायर, यानी कि ग्रिड से कनेक्ट करने के लिए आपको ये वायर काम में लेना होगा। इसके बाद में आउटपुट का यहाँ पे सॉकेट आपको मिल जाता है। इसके जस्ट नीचे की साइड में यहाँ पे लगा हुआ एक फ्यूज़, अगर किसी भी टाइप का कोई शॉर्ट सर्किट होता है तो ये फ्यूज़ ख़राब हो जाएगा, इसके अलावा आपके किसी भी टाइप का कोई नुकसान नहीं होगा। इसके जस्ट नेक्स्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है सोलर पैनल को कनेक्ट करने का ऑप्शन, और यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिल जाता है यहाँ पे मोड का ऑप्शन, यानी कि अगर आप कंप्यूटर वगैरह काम में लेते हैं तो UPS मोड पे इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, और नॉर्मल अगर लाइट, फैन, ऐसी चीज़ें आप काम में ले रहे हैं तो इसे इन्वर्टर मोड पे रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे सोलर के लिए भी आपको मोड देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट यहाँ पे हाइब्रिड मोड और दूसरा है स्मार्ट मोड। हाइब्रिड मोड के अंदर ग्रिड को और साथ में सोलर पैनल दोनों चीज़ों से मिला के ये आपका लोड चलाने की कोशिश करेगा, लेकिन स्मार्ट मोड में क्या होगा, ये बैटरी को फर्स्ट प्रायोरिटी देगा, यानी कि इससे आपकी बिजली की बचत ज़्यादा होगी अगर आप इसे स्मार्ट मोड में रखते हैं तो। इसके बाद आपको देखने को मिल जाता है टेक्निकल स्टिकर। टेक्निकल स्टिकर के ऊपर बताया गया है कि ये इन्वर्टर PWM टेक्नोलॉजी पे है। इस इन्वर्टर के अंदर 50 एम्पियर का PWM चार्ज कंट्रोलर होता है। नॉर्मल इन्वर्टर और सोलर इन्वर्टर के अंदर एक ही डिफरेंस होता है कि यहाँ पे आपको चार्ज कंट्रोलर इनबिल्ट मिलता है, यानी कि सोलर पैनल को कनेक्ट करने का ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है, आपको अलग से चार्ज कंट्रोलर खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है। यह इन्वर्टर 1150 वीए का है। इस पर मैक्सिमम आप 800 वाट तक का लोड चला सकते हैं। इस इन्वर्टर के ऊपर आप 12 वोल्ट की बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं और सोलर पैनल भी यहाँ पे 12 वोल्ट के ही कनेक्ट होंगे। जो सोलर पैनल का मैक्सिमम VOC हो सकता है वो है 16 वोल्ट से लगा के 30 वोल्ट तक का। इसके बाद यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट करने के लिए वायर है और साथ ही यहाँ पे अंदर के सिस्टम को ठंडा करने के लिए फ़ैन लगा हुआ है। यानी ओवरऑल देखें तो आपको बाहर से कोई भी चीज़ यहाँ पे खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है, आप डायरेक्ट यहाँ पे इंस्टॉलेशन शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट है सोलर बैटरी। हमारे पास जो बैटरी है ये 150 एच की बैटरी है, जो कि C10 बैटरी है। सोलर पैनल के साथ में हमेशा C10 बैटरी को ही काम में लिया जाता है। इस बैटरी के ऊपर आपको 60 मंथ की वारंटी मिल जाती है, यानी कि 60 मंथ के अंदर कोई भी यहाँ पे खराबी होती है तो आपको इसका रिप्लेसमेंट मिल जाता है। किसी भी टाइप की यहाँ पे कोई कंडीशन नहीं है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। इसके साथ में अगर बात करें यहाँ पे कंपोनेंट की तो इस बैटरी के साथ में सारी रिक्वायर्ड चीज़ें आपको मिल जाती है, यानी कि नट बोल्ट हो गए, इसके साथ में यहाँ पे जितने भी वाटर इंडिकेटर ये सब कुछ इसके साथ में मिल जाता है, आपको मार्केट से कोई भी चीज़ खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट बारी है यहाँ पे इंस्टॉलेशन की। इंस्टॉलेशन की प्रोसेस काफ़ी इजी है इन्वर्टर बैटरी के केस में। सबसे पहले अगर यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो बैटरी के साथ में इन्वर्टर को कनेक्ट करेंगे। इसके बाद में आप सोलर पैनल है तो सोलर पैनल से कनेक्ट करेंगे, वरना डायरेक्ट ग्रिड से इसे कनेक्ट कर देंगे। तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस काफ़ी ईजी है। आप भी अगर इस इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं तो काफ़ी ईजी है, यहाँ पर काम शुरू कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो अब देखते हैं कैसे इंस्टॉलेशन की प्रोसेस शुरू होती है। फर्स्ट यहाँ पर बैटरी के ऊपर लगाएंगे हम वाटर इंडिकेटर। तो वाटर इंडिकेटर को लगाने के लिए जितने भी यहाँ पे कैप लगा रखी है आपको इन्हें ओपन कर देना है। इसके बाद में जो वाटर इंडिकेटर आपको बैटरी के साथ में मिलते हैं इन्हें यहाँ पे कनेक्ट कर देना है। तो जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं बैटरी के अंदर पानी का लेवल बिल्कुल सही है, यहाँ पर आपको पानी भरने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि बैटरी के अंदर पानी कम होता है तो आपको यहाँ पे भरने की ज़रूरत पड़ जाती है। जो इंडिकेटर है इसके अंदर अगर ग्रीन वाली ऊपर जो लाइन है यहाँ तक पानी है तो आपको पानी भरने की ज़रूरत नहीं है, और इससे ऊपर भी पानी नहीं भरा हुआ होना चाहिए। और जो अंदर ये रेड कलर का आपको डॉट दिख रहा है, ये अगर यहाँ पर रेड लाइन के ऊपर आ जाता है तो यहाँ पर आपको पानी भरने की ज़रूरत होगी। तो ये चीज़ का आप ध्यान में रखते हुए क्या है कि यहाँ पर बैटरी की फिलिंग कर सकते हैं। सभी के अंदर यहाँ पर अलग अलग पानी का फिलिंग किया जाता है।
अब यहाँ पे बारी है इन्वर्टर बैटरी को आपस में कनेक्ट करने की। तो इन्हें कनेक्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कौन सा नेगेटिव और कौन सा पॉजिटिव टर्मिनल है। तो यहाँ पे आपको माइनस का या फिर बोले नेगेटिव का साइन देखने को मिल जाता है और दूसरी साइड के अंदर यहाँ पे आपको पॉजिटिव का साइन देखने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे अभी रेड कलर की कैप भी लगाई गई है, लेकिन इससे ज़्यादा आपको इसके ऊपर फोकस करना है कि यहाँ पे पॉजिटिव है और दूसरी साइड में नेगेटिव है। फर्स्ट यहाँ पे कनेक्ट करेंगे नेगेटिव टर्मिनल। नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करने के लिए हमें नट बोल्ट जो यहाँ पे साथ में मिलता है इसे ओपन कर लेते हैं। और जो नेगेटिव का वायर है इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। इसे अच्छे से टाइट करने के बाद में व्रेंच स्पेनर की मदद से आपको इसे टाइट करना है। तो यहाँ पे जो व्रेंच स्पेनर काम आ रहा है वो 13 नंबर का है। हो सकता है यहाँ पे आपके पास जो नट बोल्ट हो वो अलग साइज के हो, तो उसके हिसाब से आप जो भी व्रेंच स्पेनर काम में आ रहा है उसे काम में ले सकते हैं। तो इसे अच्छे से आपको टाइट करना है ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा यहाँ पे नहीं बना हुआ रहे। इसके बाद कनेक्ट करते हैं पॉजिटिव साइड को। तो यहाँ पे कनेक्ट करते वक्त क्या होगा कि आपको हल्की फुल्की स्पार्किंग देखने को मिल जाएगी, लेकिन आपको एक बार जैसे आप इसके कनेक्ट करेंगे उसके बाद वापस हटाना नहीं है और इसे यहाँ पे प्रॉपर टाइट कर देना है। इसके साथ आप में से काफ़ी सारे लोग सवाल पूछते हैं कि जो टर्मिनल होता है इनके ऊपर जंग आने लग जाता है तो यहाँ पे क्या किया जाए। तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे ग्रीस को काम में लेते हैं या फिर मार्केट के अंदर आपको टर्मिनल प्रोटेक्शन का ये जो पेस्ट होता है ये मिल जाता है। 5 से लगा के 10 रुपये की इसकी कॉस्टिंग होती है। जहाँ पर आप बैटरी खरीदते हैं उन जगहों पर ये आपको अवेलेबल हो जाता है। इस बैटरी के साथ ये पाउच आपको फ्री मिलता है, तो इसे आप यहाँ पर टर्मिनल के ऊपर लगा सकते हैं। बेसिकली कुछ नहीं करना, आपको इसे ओपन करना है और यहाँ पर अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं सोलर पैनल को। सोलर पैनल आप आपकी ज़रूरत के हिसाब से कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम जैसा आपको बताया 600 वाट तक कनेक्ट हो सकता है। हम यहाँ पे अभी 125 वाट का एक पैनल इससे कनेक्ट कर रहे हैं। कनेक्शन की प्रोसेस काफ़ी इजी है। यहाँ पे आपको ऑप्शन दे रखा है, इस सॉकेट को ओपन कर देना है। पहले हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे नेगेटिव का वायर। तो नेगेटिव के वायर को अंदर कनेक्ट करने के बाद आपको इसको प्रॉपर टाइट करना है ताकि किसी भी तरीके की स्पार्किंग यहाँ पे जनरेट ना हो। तो नेगेटिव का वायर अच्छे से कनेक्ट हो गया, आप चेक कर लीजिए निकल रहा नहीं है। इसके बाद में आपको कनेक्ट करना है पॉजिटिव का वायर। तो हमारा पैनल यहाँ पे सही से कनेक्ट हो गया है। अब करते हैं यहाँ पे इन्वर्टर को चालू। तो जैसा आप देख सकते हैं स्क्रीन आई हुई है, यहाँ पे जितना भी आप लोड अभी चलाएंगे वो यहाँ पे बैटरी के ऊपर चलेगा क्योंकि हमने इसे ग्रिड से कनेक्ट नहीं कर रखा है। इसके साथ आप यहाँ पे देख सकते हैं शाम का टाइम हो चुका है, तो सोलर पैनल के वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे लेकिन एम्पियर सोलर पैनल से आपको नहीं मिल पा रहा है। तो अब यहाँ पे करते हैं कुछ बेसिक लोड टेस्ट कि इसके ऊपर हम क्या क्या चीज़ें चला पाएंगे और कितनी देर तक वो चल जाएगी। तो हम आपको एक्सटेंशन बोर्ड की मदद से लोड टेस्ट करके दिखाएंगे। अगर आपके घर के अंदर फिटिंग की हुई है तो वहाँ पे आप इन्वर्टर बैटरी को कनेक्शन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपका घर का पूरा लोड डायरेक्टली इन्वर्टर और बैटरी की मदद से चल जाएगा है। तो अब यहाँ पे कनेक्ट करते हैं एक्सटेंशन बोर्ड को। फर्स्ट यहाँ पे लगाते हैं मोबाइल को चार्ज पे। तो मोबाइल चार्जिंग तो इससे हो रहा है। अब यहाँ पे चेक करते हैं क्या मिक्सर वगैरह ऐसी चीज भी इससे चल पाएगी या फिर नहीं। इसके बाद यहाँ पे कनेक्ट करते हैं आयरन को, क्या आयरन इस इन्वर्टर के ऊपर चल पाएगा या नहीं। तो इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं और कनेक्ट करते ही जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं ओवरलोड की यहाँ पे बीप स्टार्ट हो चुकी है और जो इन्वर्टर है ये काम करना बंद कर चुका है। तो ओवरऑल अगर यहाँ पे बात करें तो 700 वाट से लगा के 800 वाट तक का लोड आप इसके ऊपर काफ़ी आसानी से चला सकते हैं, जिसमें 2 से 3 बल्ब हो गया, 1-2 फैन चलाना है। अगर गर्मी का सीज़न है तो आप यहाँ पे कूलर भी इसके ऊपर चला सकते हैं और घर के छोटे मोटे अप्लाइंसेस होते हैं वो भी इसके ऊपर काफ़ी ईजिली चल जाएंगे। अगर साथ ही बात करें यहाँ पे बैटरी की, तो बैटरी से लगभग 1300 वाट तक आपको बैकअप मिल जाएगा है, जिसके ऊपर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं और काफ़ी वीडियो में हमने कैलकुलेशन करके भी दिखाई है कि कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर भी अगर एक एग्जांपल से बताऊं तो 100 वाट का अगर एक फ़ैन आप यहाँ पर चला रहे हैं तो लगभग 13 घंटे तक आपका एक फ़ैन इससे चल जाएगा है। और साथ ही अगर आपने सोलर पैनल कनेक्ट कर रहे हैं
तो यहाँ पे आपकी बैटरी चार्ज भी होती रहेगी और आपकी सारी चीज़ें इससे चल जाएगी, तो आपको यहाँ पे ग्रिड को किसी भी तरीके से काम में लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कितने वाट के सोलर पैनल आप इसके साथ कनेक्ट करेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो सोलर पैनल की रिक्वायरमेंट होगी वो है 500 वाट के सोलर पैनल। अब 500 वाट के सोलर पैनल आप कितने भी यहाँ पे वाट का पैनल सेलेक्ट कर सकते हैं, 100 वाट से लगा के 200 वाट तक के आपको 12 वोल्ट के पैनल मार्केट के अंदर देखने को मिल जाते हैं। अगर आप 100 वाट का पैनल लेते हैं तो आपको 5 पैनल की रिक्वायरमेंट होगी। जो इन्वर्टर है इसके ऊपर मैक्सिमम 600 वाट के पैनल कनेक्ट होते हैं, और बेसिक अगर आप एक इन्वर्टर और एक बैटरी लगा के आपका पूरा घर का लोड चलाना चाहते हैं तो 500 वाट तक के सोलर पैनल काफ़ी होते हैं आपके ज़रूरत के लिए। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं प्राइसिंग की। तो अगर आप नॉर्मल इन्वर्टर बैटरी यहाँ पे खरीदते हैं तो आपको इन्वर्टर के ऊपर 18 और बैटरी के ऊपर 28% GST देना होगा। जो बैटरी की प्राइसिंग यहाँ पे आपके लिए होगी वो लगभग 13,000 रुपये से लगा के 14,000 रुपये होगी, और इन्वर्टर की जो प्राइसिंग आपको यहाँ पे करनी पड़ेगी वो 6,000 रुपये से लगा के 7,000 रुपये होगी। लेकिन अगर आप कंपनी से पूरा ओवरऑल सिस्टम खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 5% GST ही देना होगा, और ऐसे केस में जो बैटरी की प्राइस है वो लगभग 10,000 रुपये से लगा के 12,000 रुपये ही होगी, और जो इन्वर्टर की कॉस्टिंग है वो भी लगभग 6,000 रुपये के आसपास होगी। तो अगर आप पूरा सिस्टम खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ सेविंग हो सकती है, और वही आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। इसके बाद बात करें यहाँ पे सनरिक्स कंपनी के सोलर इन्वर्टर बैटरी या फिर बोले पूरा सिस्टम आप कहाँ से खरीद सकते हैं, तो आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से या फिर आप इनके जो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर का नेटवर्क है वहाँ से खरीद सकते हैं। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और दिल्ली NCR के अंदर आपको इनके डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाएंगे, वहाँ से आप जो है प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हैं। तो ये थी यहाँ पे पूरी जानकारी कैसे आप सोलर सिस्टम खरीद के अपना घर का पूरा लोड है उसको सोलर सिस्टम पे चला सकते हैं। अगर आपका छोटा परिवार है तो लगभग 25,000 से 30,000 रुपये के खर्च के अंदर आप अपने घर का बिजली बिल बिल्कुल जीरो कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। आपको कोई सुझाव है, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। जय हिंद, वंदे मातरम।